महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी। 2019 तक 100% कवरेज हुआ, 110 मिलियन टॉयलेट। ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी, शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं, इसलिए उपहास का विषय बनाते हैं। आज मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी है कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलात्कार होता है, ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रही है। शायद यही लक्षण है कांग्रेस नित अलायंस के कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत माँ की हत्या की बात हो तो ये यहाँ पर तालियां पीटे, ये कांग्रेस का लक्षण है। इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया कि हम बात करेंगे मात्र एक व्यक्ति से, हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रियों की कार्यशैली पर इनको चर्चा नहीं करनी। और शायद सच भी है, इनका अपना अनुभव है कि इनके यहां पावर का केंद्र बिंदु एक था। यहां पर फर्क यह है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागीदार हैं, इसलिए आज जब गजेंद्र शेखावत जी के मंत्रालय की ओर से टॉयलेट की व्यवस्था होती है तो मैं एक महिला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना कि प्रधानमंत्री जी का। जल जीवन मिशन, महोदय, हमारे देश में जब इनकी सरकार थी तो मात्र 3 करोड़ परिवारों तक नलके से पानी पहुंचता था। अब 2019 का आंकड़ा कहता है कि आपने तब तक 9.5 करोड़ तक पानी पहुंचाया और अब लगभग 19 करोड़ 40 लाख और 12 करोड़ 40 लाख तक आपका पानी नलके से पहुंच चुका है। लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉयलेट बना, महिलाओं का शोषण कम हुआ, देश की साधारण महिला का सम्मान बढ़ा, तो इनसे इनका कोई सरोकार नहीं, स्पष्ट है। गरीब के घर में नल से जल पहुंचा तो कांग्रेस का उसका कोई सरोकार नहीं, ये स्पष्ट है और सही है। हमारा सरोकार है, देश हमारा है, सेवा हमारी है। आज ये उत्तेजित है कि मैं इस सदन में मंत्रिमंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूँ। एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हूँ जो वर्तमान में नहीं है। जनधन के माध्यम से 23 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला, ये इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता, ये मुझे स्वीकार है, ये हमारे लिए अहम है। मुद्रा के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को, जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे, जिनके पास कांग्रेस की पर्सनल डायलिंग मशीन नहीं थी, उनको मुद्रा का लोन मिला। 27 करोड़ लोन महिलाओं को दिए गए, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया मुद्रा के माध्यम से, इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 8 करोड़ नौजवान हमारे राष्ट्र के इतिहास में फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बने, इनका उससे कोई सरोकार नहीं।
180,000 अकाउंट्स में स्टैंड अप इंडिया का 40,000 करोड़ का पैसा दिया गया। 80% महिलाएं, प्लीज क्या तरीका है? वह अपनी बात कह रही है, तथ्यों के आधार पर कह रही है। आपको खंडन करना है तो आप बोलना, जब तथ्यों के आधार पर करना गलत बात है। नौ गलत। माननीय मंत्री जी की अनुमति से सर मैं पुनः बोलूं, तो जैसा कि मैंने कहा, महिला का अगर आर्थिक सामाजिक उत्थान होता है तो इससे उनको कोई सरोकार नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तब मात्र 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्होंने 80,000 करोड़ का लोन दिया। हमने 9 करोड़ महिलाओं को 5 लाख करोड़ की आर्थिक व्यवस्था करके दी देश के सेल्फ हेल्प ग्रुप में। यह हमारा अभिमान है। जो आज महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब इन्होंने महिला संबंधित बजट की व्यवस्था की तब इनके कार्यकाल से 130% ज्यादा बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को समर्पित किया। ये हमारा अभिमान है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों में महिलाओं को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। आज तक 2,60,00,000 महिलाओं ने हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर में सुविधाएं ली। ब्रेस्ट कैंसर में 12 करोड़, सर्विकल कैंसर में 8 करोड़ महिलाओं ने स्क्रीनिंग कराई। इनका उससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि इनका उनसे सरोकार है दिल्ली में, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू ही नहीं की, इनका उनसे सरोकार है। देश में मोदी सरकार में 3,84,00,000 घर बने, जिनमें से 2,86,00,000 महिलाओं को मिले। इनका उनसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि गरीब महिला लखपति दीदी बन गई, वो हमारा अभिमान है, इनका नहीं। हमारे देश में 8,50,00,000 बेटियों ने समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूल में सेवा ली, मुफ्त टेक्स्ट बुक की सेवा ली। बेटियां का ये उपलब्धि हमारा अभिमान है, इनका नहीं। 5,00,000 से ज्यादा बेटियों के लिए स्कूलों में अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हुई, ये इनका अभिमान नहीं, हमारा अभिमान है। हमें अपनी बेटियों पे गर्व है। 5,00,000 दिव्यांग बेटियों को मंथली स्टाइपेंड मिलता है। ये सेवा हम देश की बेटियों को दे सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभु का उपकार है। 1,28,000 बेटियों को मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दी जाती है, 12,000 रुपये की हर साल। ये सेवा का मौका परिवारों ने हमको दिया। 2,00,000 से ज़्यादा बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज एलिमेंट्री एजुकेशन में बेटियों की एनरोलमेंट 100% है इस देश में। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आज पहली बार फीमेल एनरोलमेंट उच्च शिक्षा में, महोदय, 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है महिलाओं का। ये देश के लिए गौरव की बात है। आज दलित बेटियों का एनरोलमेंट बढ़ा है 38%। दलित बेटियों का उल्लेख करती हूँ, ये चिल्लाते हैं इनको दलित बेटियों से सरोकार नहीं, हमको है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदिवासी बच्चे, लड़कियां, 63% उनका एनरोलमेंट बढ़ा, महोदय। आदिवासी बच्चों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं, आदिवासी बेटियों ने हमारे प्रधानमंत्री को सेवा का मौका दिया, ये हमारे लिए प्रभु की असीम कृपा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो महिला ने नॉर्थ ईस्ट में 34% की इंक्रीज हुई है एनरोलमेंट में। नॉर्थ ईस्ट के मेरे सभी साथियों को, चाहे वो सदन में कहीं भी बैठे हों, महिलाओं की दृष्टि से मैं अभिनंदन देती हूँ। आज हमारे देश में
महिला जो पीएचडी करती है 99.2% की वृद्धि हुई है एनरोलमेंट में पीएचडी करने वाली महिलाओं में। ये हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के नाते गौरव की बात है। आज जो महिला शैक्षिक संस्थानों में सेवा दे रही, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में 66% उनकी वृद्धि हुई है। आप हो करते जाएं, हम तो उनके लिए बल्ले बल्ले ही करेंगे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ईपीएफ में 28,70,000 महिलाओं ने अब अपने आप को सब्सक्राइबर बनाया है। आज 2017 से लेकर 22 तक लगभग 1400 महिला साइंटिस्ट को भारत सरकार की विविध स्कीम्स के अंतर्गत सहयोग मिला है। आज महिलाओं को मैटरनिटी लीव में 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है। आज महिलाओं ने 3 करोड़ बेटियों ने, महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 13,700 करोड़ रुपया अपने बैंक के खाते में पाया है। इस सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार और बेटियों का अभिनंदन। आज हमारे देश की बेटियां सैनिक स्कूल में पढ़ सकती है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को आभार। आज हमारी देश की बेटियां आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन पा चुकी है। हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसी बेटियों का आभार।